आज अपना टॉपिक रहेगा इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। इस भारतीय इतिहास के कुछ टॉपिक देखें, जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करें और एक तरफ आ जाएगा सेकंड ग्रेड। देखो फर्स्ट ग्रेड में यदि हिस्ट्री की बात की जाए तो मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट पेपर की, ओनली अपने बात करेंगे फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। और फर्स्ट पेपर की फर्स्ट ग्रेड में बात करें, यहां से शुरुआत हो रही है मौर्य काल से, मौर्य काल से, और इधर होती है सिंधु काल से हो रही है। अच्छा, जो टॉपिक कॉमन है वो दोनों बराबर से लेंगे, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर के वो डाल देंगे उसको क्या सीक्वेंस में लेके चलेंगे, टॉपिक कुछ हटके पाषाण काल वगैरह वो काफी डीप में है तो उसको उसके हिसाब से करवाएंगे। एक बार ये चलना शुरू करते हैं, हमने मौर्य काल, इधर मौर्य काल आता है, इधर ये अपने बात की तो सिंधु काल आता है। सर जो टॉपिक बराबर जैसे मौर्य काल दोनों में काम करेगा तो वो दोनों मैच कह जाएगा। अब जो टॉपिक इसका पहले वो बड़ा शुरू हो जाएगा साथ में, हर बाद में दोनों का कंबाइंड चलेगा, इसमें कोई कहीं कोई दोराई नहीं किसी प्रकार की। चलो टॉपिक को अपने पहले इतिहास को देते हैं, हिस्ट्री को किस प्रकार से, हिस्ट्री का सिक्वेंस और कैसे इसका बेसिक है। इतिहास को समझने के लिए कुछ दो तीन बारीकियां हैं, उन बातों को ध्यान रखोगे। जैसे इतिहास मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे इति प्लस हास, मतलब आज से पहले जो बीत चुका है उसे इतिहास कहा जाता है, जो अतीत में बीत चुका है पूरे को इतिहास कहेंगे। इसे समझने के लिए आज वर्तमान में दो क्रम है इसके, ईसा मसीह है इसमें सबसे मुख्य आधार है। ईसा मसीह है के जन्म के बाद का जो समय, ईसा मसीह है के जन्म के बाद का जो टाइम है इसे बोलते हैं ईसवी, जो वर्तमान में चल रहा है 2018, ये मान्यता है। बैक की बात करें, ईसा के जन्म से पूर्व इस कड़ी को कहेंगे ईसा पूर्व, इस ईसा के जन्म से पहले की कड़ी है इसे बोलेंगे ईसा पूर्व, और इनके जो बाद की कड़ी है इसे बोलते हैं ईसवी। इसमें मुख्य आधार ईसा मसीह का जन्म है। इति प्लस हास दो शब्दों से मिलकर बना है। अब देते हैं प्रमाणिकता के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण, जो प्रमाण मिले हैं, उजार मिले हैं, तांबा कंसा पत्थर, इनके आधार पर प्रमाणिकता के आधार पर हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो देते हैं कि प्रमाणिकता के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, प्रमाण के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण। एक तो इसके अंदर होता है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, नंबर दो इसके अंदर आता है आद्र ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, और एक कड़ी सीधी आती है ऐतिहासिक के मामले में, ऐतिहासिक। अच्छा, तीनों में डिफरेंस के इस बात को देखेंगे, एक है प्रागैतिहासिक, एक है आद्र ऐतिहासिक और दूसरा आता है ऐतिहासिक, तीनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, कोई जानकारी प्राप्त हो रही है, कोई जानकारी प्राप्त हुई और इसके बारे में जानकारी नहीं पता लग रहा कि क्या है ये क्या नहीं है, किस पाल मतलब कि बहुत ज्यादा प्राचीन है और उनको कुछ नहीं पता लग रहा वो किस काल की है, क्या वो उसमें लिपि यूज की गई है। अपने कई बार देखते हैं कुछ प्राप्त हो गया, कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिख रखा है, इस प्रकार से अब लिख रखा है पता नहीं क्या है, शेर के प्राप्त हुआ, कोई पत्थर प्राप्त हुआ, उस पर यह पता लगे कि हाँ ये सभी बात पाषाण काल की है, पाषाण काल की है, लेकिन उसका प्रमाण, उसकी जो प्रूफ नहीं हो पा रहा है कि वो है क्या। जिसका प्रूफ नहीं हो पाता है, प्रमाण अपने निकाल नहीं सकते हैं, उसको प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। जैसे आपको कोई सिक्का प्राप्त हो उस पर लिपि लिख रखी है, उस लिपि के बारे में नहीं पता लग रहा है कौन से काल की लिपि है, क्या है, क्या कहना चाहता है, उनके वर्णों के बारे में नहीं पता लगा, ऐसी जानकारी को रखा जाएगा प्रागैतिहासिक जानकारी में, जैसे पाषाण काल की कुछ जानकारी है उसके अंदर आ जाएगी। अब है आद्र ऐतिहासिक, अब देखने की आद्र ऐतिहासिक क्या होता है। आपको एक सिक्का प्राप्त हुआ, आपने सिक्के को देख के पता लगाया ये सिक्का श्योर है तांबे का है, इसमें कोई दोराई नहीं है। अब इसके ऊपर क्या है, इस प्रकार से कोई जीव सा एक चित्र बना रखा है, ऐसे एक चित्र बना दिया, उस पर कुछ इस प्रकार से शब्द लिखे हुए हैं ऐसे करके और नीचे लाइनिंग कर रखी है, अब पता नहीं क्या है।
विश्व की समस्त लिपियों के इसमें प्रयोग कर लिया है, पर आज तक नहीं पता लगा ये क्या लिख रखा है, कौन सी लिपि है, क्या कहना चाहता है। इससे ये पता लगा ये तांबे का सिक्का है, लोहे का सिक्का प्राप्त हुआ, ये कांस्य का प्राप्त हुआ, उसके ऊपर विशेष प्रकार चित्रण कर रखा है, ऐसे करके ये चित्र बना दिया, ऐसे अजीब से इसमें वर्ड लिख रखे हैं। सिक्का प्राप्त है ये पता लग गया कि इसमें लिख क्या रखा है, इसमें पता लग गया कि ये सब चीज इतना पता लग गया कि आधी जानकारी मिली, ये कांस्य का या लोहे का है, ये तांबे का है, लेकिन इनकी लिपियों का इनका नहीं पता लग रहा क्या है। इतिहास तो पता लगा है लेकिन वो भी हाफ पता लगा है, हाफ हिस्टोरिकल हो जाएगा ये, मतलब ये आद्र ऐतिहासिक, मतलब इतिहास की जानकारी मिली है आधी मिली है। अब आपको जो ग्रंथ मिलते हैं, आधुनिक जो ग्रंथ आते हैं, जितने भी ग्रंथ मिले ऐतिहासिक क्लियर है, आपको पता लग रहा है ये जानकारी पृथ्वीराज रासो है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार के अंदर चंद्रबर्ण लिखी थी, तो लिखी थी विश्वर ऐतिहासिक है ये, वो जानकारी किसके अंदर आ जाएगी, ऐतिहासिक में आ जाएगी। आपको सिक्का प्राप्त हुआ, चांदी का सिक्का है, उस पर कल्प दुर्ग लिखा है, बता दो कि यहाँ अजमेर वाले चौहानों का सिक्का है ये। आपको सिक्का तांबे चांदी के प्राप्त हुए, उसमें लिख रखा है श्रीमद आदिवरा है। अब आपको यही पता है लिपि कौन सी है, आपको यही पता है इसमें धातु कौन सा लगा है, तो वो ऐतिहासिक जानकारी के अंदर आ जाएगी। इस प्रकार से प्रमाणिकता के आधार पर प्रूफ के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो इस प्रकार से आ जाता है। ओके, इसके बाद देखते हैं कि इतिहास को कालखंड के आधार पे, मतलब कालखंड के आधार पे किस प्रकार से इन्हें बांटा गया, उस कड़ी को देखेंगे, वो काल कौन सा है। पहले मैं इनको सीक्वेंस में बोलता हूं, फिर यहां लिखूंगा। सबसे पहले पाषाण काल, सिंधु काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल, राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ब्रिटिश काल, उसके बाद में आधुनिक काल, इन सारों को आराम से बांटना है। सबसे पहले अपने पास आ गया इस काल को बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है जिस काल में पत्थर अस्तित्व में था, कोई धातु नहीं था, उस काल को बोलते हैं पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं इसके पाषाण काल को बांटा गया 3 भागों में, बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग पे लोड देने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आराम से देखना, सिंपल है। पाषाण काल को 3 भाग में बांट रखा है, एक का नाम है पूरा पाषाण काल, एक को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरे को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरे को बोलते हैं नव पाषाण काल, या इसको बोलते हैं उत्तर पाषाण काल। देखो इनकी एज को लेकर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, मैं आपको सर्वमान्य मत बता रहा हूं, उस बात में देखेंगे। पाषाण का मतलब शाब्दिक अर्थ पत्थर होता है। पूरा पाषाण काल जो आपको अधिक जानकारी मिल रही है, लगभग 4 लाख वर्ष पुरानी जानकारी मिल रही है, 4 लाख से लगभग आप आगे 1 लाख वर्ष तक आगे ये जानकारी मिल रही है, इसको माना गया पूरा पाषाण काल में रखा गया है। मध्य वाले में क्या जाएगा, जो आपको जानकारी 1 लाख से लेकर लगभग मिल रही है 4000 तक जानकारी मिल रही है, 4000 ईसा पूर्व तक की जानकारी मिल रही है ना, इस जानकारी को क्या बोलेंगे अपने, इसको रखा जाएगा मध्य पाषाण काल में मिल रही है। ठीक है, नव या उत्तर पाषाण काल, अच्छा इस जानकारी को माना गया 4000 ईसा पूर्व से शुरू होकर ये 2500 ईसा पूर्व तक आएगा। देखो आप जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको एक प्रॉब्लम सामने आ रही है, अभी वो थोड़ा पजल हो रहा है इस बात को कि ये उल्टा कैसे कर रहा हूं मैं, ये जो 4 लाख से बेग कैसे आ रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको क्रम बताया इतिहास को सीक्वेंस में अध्ययन करने के लिए हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में रखा है, ईसवी ईसा मसीह के जन्म के बाद का टाइम, इससे पहले ईसा पूर्व इसको उल्टा ही पढ़ना पड़ेगा। पाषाण काल के बाद में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सभ्यताओं का उदय हुआ, विश्व में कई सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, नीलगिरी सभ्यता, अपने इंडिया में जो सभ्यता आती है उस सभ्यता का नाम है सिंधु सभ्यता, या इसे बोलते हैं सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता या इसे बोलते हैं सिंधु सभ्यता, एक ही बात है। सिंधु सभ्यता का काल आता है कितना, यह आता है यह आप ये मान लो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का समय ये आता है, किस काल का, ये सिंधु सभ्यता का काल का आता है। सिंधु सभ्यता के बाद का जो काल आता है इसका काल का नाम है वैदिक काल, वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से लेकर अपने आ जाएंगे लगभग 600 ईसा पूर्व पे, 600 ईसा पूर्व पे आ जाएंगे तो ये आपका काल रहेगा, इस काल का नाम है वैदिक काल। हाँ, सिंधु काल इसमें आ जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व,
1500 से 600 रहेगा वैदिक काल का। अब क्या है कि अलग अलग काल के अंदर अलग अलग टाइम बांटा गया, जैसे मान लो मौर्य काल, इसमें क्या है कि मत बूझा चलते हैं, जब अपने इसको डीप से पढ़ेंगे तो ये मत देखने किसके हिसाब से कौन सा काल है, इसमें विभिन्न प्रकार के मत, हर इंपोर्टेंट ही है, कोई सा ही पूछ ले, 6-7 इसके अंदर मेन मेन आएंगे। तो इसके बाद आप काल का क्या है कि जैसे टाइम याद रखोगे, मेनली इस वैदिक काल को दो भागों में बांट रखा है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा हुआ है, एक का नाम है ऋग्वेद काल, या इसको ऋग्वेदिक काल बोल देते हैं, और इसके बाद जो आने वाला है इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल इसको कहा जाता है। ऋग्वेद का जो समय, यह समय आ जाएगा 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का, यह आएगा ऋग्वेद काल का। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में यह आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय जो आ रहा है ये किसके अंदर आ जाएगा, ये उत्तर वैदिक काल में आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, वैदिक काल के बाद में यहां जो आगे आगामी जो आएगा इसका नाम है ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक टू पार्ट्स में डिवाइड है। मौर्य काल के बाद में यहां जो काल आ रहा है इस काल का नाम है मौर्य काल, ये वही काल है जिसके अंदर भारत 16 भागों में बंट जाएगा, जिसे 16 महाजनपद बोलते हैं। तो 16 महाजनपद इस मौर्य काल के अंदर विशेषता आएगी, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक जनपद के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि 16 के 16 जनपद, उनकी राजधानी और उनके राजाओं के नाम क्या, डिटेल से पढ़ेंगे। अब अपने इस पूरे कालक्रम को रिपीट करके मेरे साथ रिपीट करना और पूरे को साफ करेंगे। सबसे पहले पाषाण काल आया, जिसे पत्थर काल या पाषाण काल एक ही बात, इसे बांटा गया 3 भागों में। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, इसका टाइम 4 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व। दूसरा मध्य पाषाण काल, इसका टाइम 1 लाख से 4000 ईसा पूर्व। इसके बाद में जो आ रहा है वह 9वां उत्तर पाषाण काल, इसका समय 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। सिंधु काल, अच्छा सिंध और सभ्यता का जो काल आ रहा है वो है 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक का आ रहा है। फिर है वैदिक काल, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का इसमें समय आ रहा है। ऋग्वेद काल है 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व आ जाएगा। इसके बाद मौर्य काल, मौर्य काल इसके काल में भारत एक 16 भागों में डिवाइड था, जिसे 16 महाजनपद बोलते हैं, जनपद बहुत ज्यादा थे। मौर्य काल के बाद में यहां जो काल आ जाएगा उसे बोलते हैं उत्तर मौर्य काल या मौर्य उत्तर काल, भी उत्तर सब में आएगा, लगभग सभी मोस्टली में आता रहेगा ये। अब आएगा गुप्त काल, गुप्त काल के बाद पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल इसके अंदर आ जाएगा। गुप्तोत्तर काल के बाद में यहां जो काल आएगा इस काल का नाम है राजपूत काल, राजपूत काल आ गया। राजपूत काल के बाद में राजपूत उत्तर काल, फिर इसके बाद में शुरू हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत के अंदर अलग अलग 5 वंश आते हैं, अलग अलग वंश आएंगे 5, गुलाम वंश है, सैयद वंश है, तुगलक वंश है, ठीक है, लास्ट में लोधी वंश आ जाएगा, इसे 5 वंश आ जाएंगे टोटल दिल्ली सल्तनत काल के अंदर, वो डिटेल के उस टाइम पढ़ेंगे अपने। दिल्ली सल्तनत के बाद में पानीपत के युद्ध के बाद 1526 में यहां मुगल लोग आ गए। इन सभी को मैं बारीकी से पढ़ाऊंगा, ये मान के चलो कि आपका हफ्ते में इतिहास का एक वीडियो आएगा ये, क्योंकि देखो सिलेबस सभी छेड़ रखे हैं, हिंदी भी आएगी, सब भी स्क्वेयर्स में आएगी, और इस ये जो टॉपिक चला रखा है ना इसके हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो आएगी। मुगल काल, मुगल काल शुरू हुआ, मुगल काल की जो चरण सीमा थी वो औरंगजेब के काल तक 1707 तक रही थी, इसके बाद इनका पतन काल शुरू है। मुगलों के जहांगीर के काल में यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया था, तो यहां जो काल शुरू हुआ उस काल को बोलते हैं ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल बोलते हैं, या इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का काल बोल देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद में 1858 में कंपनी समाप्त होगी, यहां डायरेक्टली विक्टोरिया महारानी का ताज का शासन चला था, जिसे ब्रिटिश ताज काल या क्राउन एक्ट काल बोल देते हैं, इसको ब्रिटिश ताज काल हो गया। फिर यह राष्ट्रीय आंदोलन चल गए अपने क्षेत्र के अंदर, ये राष्ट्रीय काल, राष्ट्रीय आंदोलन का काल था, ब्रिटिश ताज काल के दौरान चला था, राष्ट्रीय आंदोलन काल था। फिर देश आजाद हो गया 1947 में, ये जो काल चला इस काल को बोलते हैं आधुनिक काल। अच्छा, जो विद्यार्थी इतिहास पढ़ता है वो अपने एक बात दिमाग में रखें, इस तीन बातों को यदि आप अपने दिमाग में सेट करते हो, चाहे आप आरएएस के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपका टारगेट कोई भी है, यदि आप भारतीय इतिहास को पढ़ना चाहते हो तो ये नींव भर लेना, जिसकी ये नींव मजबूत नहीं है वो कभी भी गिर सकता है, एक बात ध्यान रखनी है, उसका सिक्वेंस कभी गिर सकता है।
एग्जाम के अंदर आप सोच लो जिसकी नींव मजबूत है ना उसके पास बहुत बड़ी सपोर्ट है। ये आपकी नींव है इतिहास के अंदर, इस नींव को मसाले के साथ बढ़िया टिका के भर लेना। एक तो तय नॉर्मल मसाला भरा है, एक ढंग से मसाले का मतलब सुबह शाम दोपहर तीन टाइम इसको चार दिन लगातार पढ़ना है। इसके साथ में आपका ये प्रॉपरली तैयार हो जाएगा। ये था भारतीय इतिहास का वर्गीकरण।